हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब ब्लॉग। सो गाइस, और दिन की तरह आज भी फिर मैं सुबह सुबह निकल गई हूँ। सुबह 9:30 बजे का टाइम हो रहा है और मेरी है बुकिंग्स, तो मैं अभी उसी के लिए निकली हूँ घर से। आगे मेट्रो स्टेशन पे हमें मिल जाएगी मेरी हेयर स्टाइलिस्ट, उनके साथ फिर हम जाएंगे बुकिंग्स पे। फिर वहाँ का एक्सपीरियंस क्या रहता है क्या नहीं, वो सब मैं आपको शेयर करूंगी। ओके, सो गाइस, अभी भी एक न्यू खबर मिली है, न्यू न्यूज। मैं जा रही थी स्कॉर्पियो में और अभी अभी जाके पेट्रोल पंप पे जाके पता चला कि डीजल वाली गाड़ियों पे तो 20,000 रुपए का चलान है। तो मैं वापस जा रही हूँ, अब कोई पेट्रोल वाली गाड़ी निकालेंगे और फिर मैं जाऊंगी। हमेशा के चोचले लोचे हो जाते मेरे साथ, मैं हमेशा क्या बोलूं, बस मेरे साथ देर पे देर होती रहती है। गाइस, हम लोग निकल गए हैं पेट्रोल की गाड़ी लेकर। पता नहीं यार क्या क्या नोटिस निकालते रहते हैं, बताओ। डीजल की गाड़ियां बंद कर दी, पता नहीं अभी मैंने नोटिस भी पूरा नहीं पढ़ा किस रीजन से बंद हुई हैं। लेकिन हम लोग निकल गए हैं और यहाँ अभी हो रहा है ट्रैफिक और मुझे टाइम से पहुंचना था और मुझे लग रहा है कि शायद मैं लेट हो जाऊंगी, बट लेट नहीं होंगी। मेरा काम है, मैं अपना काम और तेजी से करूंगी, मुझे उनको टाइम पे रेडी करना है बस। गाइज, हम लोग पहुंच गए हैं लोकेशन पे और रीना भी मैंने पिक कर लिया था। हाय रीना। और सामान हम लोग अपना सेट कर रहे हैं और उसके बाद मिलते हैं, मेकअप हो जाएगा। बीच बीच में कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे कि क्लिप्स डालती रहूं मैं। बहुत शांति वाला माहौल हो गया, मेरे ब्लॉग में ऐसे कैसे चलेगा? कुछ तो बोलना पड़ेगा रीना। आप ही को शूट कर रही हूँ मैं, मेरे को बहुत ज़्यादा फिर भी काम सबसे पहले है। तो गाइस, मेकअप हो गया डन और हम लोग निकल रहे हैं घर। अभी लेंगे हम रिया का एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, इन्होंने बहुत अच्छा मेकअप किया, जैसा मैं चाहती थी उससे भी बहुत अच्छा करा है। थैंक यू, थैंक यू गाइस। मैंने आंटी जी का मेकअप किया है, अब आंटी जी अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कैसा रहा, कि आपको कैसा मेकअप लगा। लेकिन मेरे को फर्स्ट टाइम सबसे अच्छा मेकअप लगा, बहुत ही अच्छा। थैंक यू, नेक्स्ट टाइम भी आपसे कराऊंगी। थैंक यू आंटी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो गाइस, इस टाइम मेट्रो स्टेशन पे और मेट्रो का वेट कर रही हूँ। यहाँ से मैं जाऊँगी रजौरी गार्डन, क्योंकि एक्चुअली मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, थोड़ी बहुत क्या, मुझे मेकअप वेकअप का सामान वामान लेना है थोड़ा। तो अभी मैं वहीं जाऊँगी, मुझे ज्योति वहाँ मिल जाएगी, ज्योति के साथ जाऊँगी मैं। और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, सीरियसली इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना इस वक्त में। लोग सोचते हैं कि क्या है, मेकअप किया पैसे कमा रही है, ये हो रहा है वो रहा, बट इस लाइन में आके आप देखो कितनी मेहनत है। और कुछ लोग इस मेहनत को भी बेकार और फजूल की चीज़ें समझते हैं, बट उन लोगों को थोड़ा अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं पहुँच गई हूँ रजौरी और जो भी प्लान हो गया कैंसिल आने का वो अभी कम नहीं है, और मैं बस सिटी बस में पहुँचने वाली हूँ। Thank you.
मैं अटेंड कर रही हूं तो पहले जाओ देख के, मैं लगा के देख लूंगा। सो गाइस मैं निकल रही हूँ प्रीति कॉस्मो से और अब जा रही हूँ मैं घर। बहुत थक गई यार, सुबह से हालत खराब है। पहुंच गई फाइनली घर और मेरी हालत देखो क्या हो गई। सुबह से बाहर, सुबह से आज कुछ खाया भी नहीं और मैं जस्ट अभी घर पर पहुंची हूँ। टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं। सुबह मैं निकल गई थी 9 बजे, 9 बजे की निकली, 7 बजे मैं घर पहुंची हूँ। माय गॉड, बहुत ही थकान भरा दिन आज का। और मैंने प्रीति कॉस्मो से क्या क्या लिया है वो सब चीजें मैं तुम्हें नेक्स्ट व्लॉग में शो करूंगी, अभी हिम्मत नहीं है। सो गाइस अब टाइम है वो चीज दिखाने का जो मैं खरीद के लेके आई थी। प्रीति कॉस्मो गई थी, मैं आपको बताया था मैंने कि मैं प्रीति कॉस्मो जा रही हूँ, तो मैंने वहां से जो भी प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं वो मैं आपको शो करती हूँ। तो ये है प्रीति कॉस्मो का बैग, बहुत क्यूट सा। अब मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या क्या लिया है और मेरी कितने की शॉपिंग हुई होगी, शॉपिंग तो कितने की हुई है और लास्ट में बताऊंगी मैं। तो ये है Forever 52 का हाइलाइटर पैलेट जो कि है 2400 कुछ का। इसके बाद ये है मैक का फिक्सर, ये भी ऐसे कुछ का होगा यार, 2100 का है ये। के बाद ये है Forever 52 की आईलैश ग्लू जो है 500 रुपए की। और ये है किया ब्यूटी का 600 का पेंसिल। और ये है Forever 52 का ग्लिटर ग्लू। और ये Forever 52 के पिगमेंट्स, बहुत प्यारा सा है। ये है एलेगल का कंसीलर। और ये है मेबलिन की लिपस्टिक, ये भी 800 कुछ की है। ये मेबलिन का मस्कारा, ये भी 800 का है। और ये भी एक मेबलिन का लिप शेड है और एक ये भी मेबलिन का लिप शेड है। तो और अभी मैंने ग्लिटर्स ऑर्डर किए हैं ऑनलाइन, वो अभी ग्लिटर्स आए नहीं है मेरे, जब आ जाएंगे तो बता दे दिखा दूंगी मैं वो भी आपको। और पता है आप लोगों को कितने का है, कोई आइडिया लगा सकता है? बताओ भाभी, आप बताओ, शूट कर रहे हो, आइडिया लगाओ कितने का होगा ये। जब ब्रांड इतने महंगे हैं तो महंगा ही सामान होगा ये भी। पूरे 10,000 भाई, मेरी जान जो निकली ना, 10,000, पूरे 10,000 का सामान है ये। और इतनी सी चीजें हैं और वो 10,000 की, और सीरियसली
मेकअप बहुत महंगा आता है, बहुत ही ज्यादा, और फिर भी लोग क्या करते हैं, आप इतने महंगा ले रहे हो यार, एक पार्टी मेकअप को 2500 रुपए देने में भी लोग कहते हैं आप इतना महंगा क्यों ले रहे हो। सोचो ना प्रोडक्ट्स भी कैसे यूज कर रही हूँ मैं, वो भी तो देखो आप लोग। ठीक है, इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड। वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी 10,000 रुपए की शॉपिंग कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, मिले।